हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमंदर मौर्य। आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पेन ड्राइव का आइकन चेंज कर सकते हैं, आइकन लोगो या आप अपना भी वहां पर फ़ोटो लगा सकते हैं। तो फ़ोटो किस तरह से आप वहां पर अपना लगाएंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ लाइक करना ना भूलें। और चलिए वीडियो में बताते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, जब हम पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी पेन ड्राइव हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम उसे नेम वाइज सेव करके रख लेते हैं। और जब भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें नाम आता है और हम उसी से ही पहचान रखते हैं। अब आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उस पेन ड्राइव पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से उस पेन ड्राइव को पहचान सकते हैं कि कौन आप कौन सी पेन ड्राइव किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे आपके काम में भी काफ़ी आसानी होगी और उन सभी पेन ड्राइव से आप फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं और अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो इस फ़ोटो को आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इस फ़ोटो को आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे पेंट का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको पेंट में इसे खोल लेना है। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल को सेव कर देना है। तो सेव एस करना है आपको, सेव पर क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर BMP पिक्चर ही सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम मांगेगा, तो आप जो नाम देना चाहते हैं यहाँ पर नाम आप टाइप कर दीजिए। और नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इसे डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेना है, और डेस्कटॉप सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको फाइल को सेव कर देना है और यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे पेंट को क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, जो आपने नाम दिया था। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फाइल को हम इधर इसे नीचे कर लेते हैं, और उस और इसके बाद आपको यहाँ पर खाली जगह पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे आ जाना है। और आपको न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और ये फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, आपको यहाँ पर खाली जगह में क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है। तो मैं यहाँ पर इसका साइज बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड, आपको यहाँ पर टाइप करना है, अब एक ब्रैकेट लगा देना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर आपको, ठीक है फ्रेंड, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ब्रैकेट लगा लेंगे। और आपको यहाँ पर लिखना है ऑटो रन लिख देना है आपको, और उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है आइकन इक्वल टू, और उसके बाद आपको जो आप नाम आपने वहाँ पर फाइल में सेव किया है वही नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। और आपको डॉट यहाँ पर BMP और यहाँ पर इसे टाइप कर देना है आपको। उसके बाद आपको ये फाइल सेव फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और आपको इस फाइल को भी सेव एस करना है। और सेव एस करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के
जगह पर ऑल फाइल कर लेना है और यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है। यहाँ पर ऑटो रन डॉट INF आपको ये टाइप कर देना है। उसके बाद आपको फाइल डेस्कटॉप पर ही सेव कर देनी है और सेव करने के बाद इस तरह से इस फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे और आप एक फाइल देखेंगे, यहाँ पर ऑटो रन करके एक फाइल बन गई। तो इस फाइल को यहाँ हम साइड में कर लेते हैं और इसे अलग। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर दोनों फाइलों को क्या करना है आपको, इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी और आपको पेन ड्राइव को अपने USB पोर्ट में लगा लेना है, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज करते हैं। उसके बाद ही आपको पता चलेगा, तभी आप इसको आइकन चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन फाइलों को पेन ड्राइव लगाने के बाद, तो सबसे पहले आप पेन ड्राइव लगा लीजिए। तो जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्प्ले पे, और उसके बाद आपको क्या करना है, दिस कंप्यूटर, यहाँ दिस PC है तो इसे ओपन कर लेना है। आपको दिस PC पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो आपने पेन ड्राइव लगाई है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग तरह का आइकन आ रहा है जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट आइकन है। तो इस पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको दो जो फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की हैं इन दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद फिर से हम यहाँ पर दिस PC पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ड्राइव है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इन्हें पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको बैक आएंगे और एक बार आपको रिफ्रेश करना है। इसे रिफ्रेश करने से बाद आपको अपनी जो पेन ड्राइव है उसको एक बार निकाल लेंगे और यहाँ पर तो पेन ड्राइव को निकालने के बाद उसको फिर से दोबारा से लगाना है। और दोबारा लगाते ही यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको जो ड्राइव है वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो जिसमें कि आइकन यहाँ पर चेंज हो चुका है। जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम का यहाँ पर आइकन आता है वो अब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो हमने यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करके लगाई है वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर पेन ड्राइव का जो आइकन है उसे चेंज करना है। और आप उसकी यहाँ पर आप कोई भी इसके जगह लोगो फ़ोटो वगैरह अपना जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपने अभी यहाँ पर देखा कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर किस तरह से अपना फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। और यहाँ पर आपने पूरी तरह से देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन आप भी आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सी बात की कमी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ ताकि मैं आगे उस इस तरह के वीडियो में सुधार कर सकूं। और अगर ये वीडियो आपको बाकी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।